Today, in this topic, I will explain you types of activities. Types of activities हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले हैं. आप सभी को पता है कि man practices different types of occupation in different parts of world. हमारी earth काफी बड़ी है. इस earth पर अगर देखा जाए तो humans हैं different different occupations को perform करते हैं. तो उन्हीं occupations को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, उन्हें एक्टिविटीज भी कहा जाता है जो ह्यूमंस के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, एक्टिविटीज भी कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे एक्टिविटीज जो है, हमारे ऑक्यूपेशन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन. ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन. प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन के एग्जाम्पल्स हैं फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री और माइनिंग. फार्मिंग, आपने देखा होगा कि जो लैंड रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ह्यूमन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है ग्रेन्स का, क्रॉप्स का. वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वहाँ पे खेती कर रहा है, अनाज उगा रहा है, तो वो प्रोडक्शन हो गया वहाँ पर. उसी तरीके से अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में जनरली क्या हो रहा है कि ह्यूमन अर्थ की सर्फेस से कोई वैल्यूबल चीज निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है, खोद के उसे निकाल रहा है, तो वो प्रोसेस माइनिंग हो जाती है. और फिशिंग, फिशिंग आपने देखा होगा मछली पकड़ने का काम, मछली पकड़ने, मछली पालन का जो काम होता है वो भी हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है. देन फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लकड़ी काट के लेकर आना, या फिर वहाँ पे जो बल्ब वगैरह मिल रहा है, या जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, जो लीव्स वगैरह मिल रही है जिनका यूज किया जाता है, तो ये सारे जो ऑक्यूपेशन आ रहे हैं हमारे, ये सारी एक्टिविटीज आ रही है हमारे प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे आ रहे हैं. ठीक है, ये एक्टिविटीज जो है जनरली बहुत पुरानी सदियों से, पुराने समय से हमारी कंट्री में या पूरे अर्थ पे परफॉर्म की जा रही है. इस नोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन. ठीक है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे वर्क कर रहा है ह्यूमन. क्लियर, जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पर, उन्हीं का यूज करके वो यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन. देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी एक्टिविटी डील विद प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी गुड्स में हो रहा है, जो प्राइमरी गुड्स हमें मिल रहे हैं रॉ मटेरियल, उन रॉ मटेरियल्स को लाया जा रहा है यहाँ पे. यहाँ पे जनरली सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती है, मील्स आ जाती है जहाँ पे मशीन से काम हो रहा है. तो अब यहाँ पे क्या है, इन्हें किसी भी गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है. तो वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है. ठीक है, जैसे कि यहाँ से कुछ अनाज मिल रहा है, मछलियाँ मिल रही हैं, फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, माइनिंग से जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं जनरली, तो ये सारी चीजें कहाँ आ रही है? सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है. अब सेकेंडरी सेक्टर में ये प्रोसेस हो रही है. ठीक है, मशीनों के थ्रू इन्हें क्या किया जा रहा है? प्रोसेस किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है इन्हें वैल्यूएबल और फिनिश्ड गुड्स में. क्लियर, जैसे एग्जाम्पल है शुगर कैन. शुगर कैन जो है इसकी खेती होती है जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में शुगर कैन का यूज क्या होता है? इससे शुगर बनाई जा रही है. कॉटन हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मशीनों के जरिए से कॉटन टेक्सटाइल मतलब क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जा रहा है. आयरन और एक मिनरल होता है जो माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम इसे खोद के निकाल के यूज कर रहे हैं. इस और इस रॉ मटेरियल से क्या बनाया जा रहा है? आयरन बनाया जा रहा है. तो ये पूरी प्रोसेसिंग जो हो रही है, प्रोसेस्ड हो रही है, कहाँ हो रही है? सेकेंडरी एक्टिविटीज में हो रही है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में हो रही है. तो थर्ड आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर से जनरली क्या होता है? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को. ठीक है, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जैसे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विस हमें जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है. आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स बन के तैयार होते हैं तो वो मार्केट में कैसे आते हैं? तो वो मार्केट में आते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के थ्रू. तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है? टर्शियरी सेक्टर्स को बिलोंग करता है. जैसे हम हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज. मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, फार्मिंग ज्यादा होती है. यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज है हमारी फार्मिंग में. ठीक है, तो 60% लैंड में खेती भी होती है यहाँ पे अगर देखा जाए तो. प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा
की जाती है, बट अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में जो लोगों का रुख है वो सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स के थ्रू की तरफ ज्यादा बढ़ा है। द सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्शियरी सेक्टर्स में भी लोगों ने अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इस तरफ रुख करते जा रहे हैं। और इंडिया में अगर बात करें तो ये दोनों सेक्टर्स जो है हमारी कंट्री की जीडीपी में एक बहुत लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अपना दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर्स जो है ह्यूमंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इन डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू।